तो नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मैदा। ये मैदा करीब 200 ग्राम है। और इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अजवाइन है। क्रश करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, अपने स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने यूज़ किया है नमक। और इसमें हम डालेंगे घी, तो घी जो हमारा है 2 बड़े चम्मच हैं। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, तो हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको अच्छे से घी को मिक्स कर लेना है मैदे में। देखिए इस टाइप से मिक्स करना है कि जो इसके लड्डू हैं ये बनने लग जाए, लड्डू जैसे बनने लग जाते हैं। तो इतना आपने घी डालना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे। तो मैंने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगा। तो ये देखिए मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है मैदे का। तो ये हमारा मैदा रेडी हो चुका है, हमने गून लिया है इसको अच्छे से। अब इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो मैंने इसके 3 टुकड़े तोड़े हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश करने के बाद इसको थोड़ा सा बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इस टाइप से बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमने अपना मैदा बेल लिया है। और मैदा बेलने के बाद हम यहाँ पे अपना इसको कट कर लेंगे स्क्वायर्स में। थोड़ा सा लंबाई इस टाइप से आपने काट लेना है। तो इसको काटने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही परफेक्ट मैदा मिल चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस बीच बीच में थोड़े थोड़े लाइंस बना देंगे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना और नीचे से थोड़ा सा छोड़ देना, बाकी बीच में हम छोटी छोटी लाइनें बना देंगे। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। उसके बाद इसके साइड्स में एजेस में हम पानी लगा के थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। और उसके बाद इसको हम आराम से, बहुत ही आराम से हम इसको करेंगे ताकि टूटे ना। तो इसको हम उठा के इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। मैदा बहुत ही सॉफ्ट होता है जब आप इतना इस टाइप से खस्ता नमक पारे बनाओगे। तो इस टाइप से मैंने फोल्ड करके इसके एजेस को प्रेस कर दिया है। और इसी तरह हम दोबारा एक प्रोसेस करेंगे। सेम इसको भी उठा के मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए हमारा जो ये है रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे और ऐसे दूसरी साइड से भी कर देंगे। छोटा सा स्टेप और करना है इसमें। इसको बीच में से निकाल के एक बार इसको राउंड हम एक बार लेके जाएंगे। इसको थोड़ा सा बीच से निकाल के हम इसको शेप दे देंगे एक बढ़िया से डिज़ाइन की। ये बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन है, एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है हमारा ये। तो अब हम इसके बाद एक और बेल के रेडी करते हैं। तो हमने एक और यहाँ पे रेडी कर लिया है बेल के। उसको भी ऐसे साइड्स काट के निकाल देंगे। इसमें भी ऐसे लाइंस बनाएंगे, बीच बीच में काट लेंगे हम। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना, नीचे से थोड़ा सा छोड़ देना है अपने। उसके बाद पानी लगा के इसको भी हम बिल्कुल परफेक्टली सील कर देंगे। तो ये देखिए ये भी सेम डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको एक डिज़ाइन और बताता हूँ कि यहाँ पे एक डिज़ाइन और यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से। तो इस टाइप का अगर आपके पास बॉटल का ढक्कन है या आपके पास कोई और काटने वाला है जो गोल गोल काट से, या फिर ग्लास से आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो, छोटे ग्लास का, जो छोटा ग्लास हो घर में। तो इस टाइप से ये गोल गोल पीसेस इसके कट जाएंगे ग्लास से। तो ये मैंने सारे काट लिए हैं, मैंने करीब हमने 5 इसमें से यूज करना है। 5 पीसेस का हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम इसको पहले हम हटा देते हैं साइड्स को जो हमने काट के रेडी किया है। इसका भी हम बनाएंगे कुछ इसके बाद। तो सबसे पहले हम इन पीसेस को उठाएंगे। तो पीसेस को एक हम पीस रखेंगे और उसके बाद एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। देखिए इस टाइप से रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 रखे हैं।
ये देखिए, तो उसके बाद आपने इस टाइप से ऊपर से बिल्कुल फोल्ड करना स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, इस टाइप से आपने भी फोल्ड करना है। और यहाँ साइड में जो लास्ट में है, इसमें तो अगर थोड़ा सा पानी लगा के अगर चिपका दे तो बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा, ये खुलेगा नहीं कभी। और इसके बाद हम चाकू से इसको बिल्कुल बीच से काट देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। उसके बाद एक पीस उठाएंगे इसमें से, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए नीचे थोड़ा सा प्रेस करना, ताकि ज़्यादा इसमें प्रेस ना हो। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खोल देंगे हल्का सा, ताकि एक जो हमारा जो गुलाब है वो गुलाब जैसा बिल्कुल रेडी हो जाए। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसको रखते हैं साइड में और दूसरा हम देखते हैं, रेडी करते हैं। तो ये हमने दूसरा भी सेम रेडी कर लिया है इसी तरीके से। ये देखिए इसको हल्का हल्का सा आपने ऊपर से ओपन कर देना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से तेल भर जाए। तो तेल जब अच्छे से भर जाएगा तो बहुत अच्छा क्रिस्पी और फ्राई होगा ये। और उसके बाद जो हमारे पास बचे हुए मैदा था, बचा हुआ, उसको भी हम बेल लेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए हमने बेल के रेडी कर लिया है। और चाकू से बिल्कुल जो नमक पारा या मटर जो भी आप बोलते हो, उस तरीके से आप इसको काट लीजिए। उस जिस शेप में चाहते हो उसी शेप में आप काट सकते हो। तो मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस काट रहा हूँ, बहुत छोटे से पीसेस काटूँगा मैं इसमें। ये देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल चाकू से निकाल लेंगे, ऐसे नीचे चिपका होता है तो चाकू से ही निकालें, हाथ से ना उठाएं। ये देखिए तो ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए फ्राई करने के लिए तेल रखते हैं। और कढ़ाई लिया है मैंने एक, उसमें डाला है तेल, रिफाइंड ऑयल है ये, कोई भी तेल में फ्राई कर सकते हो, मतलब आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड और घी इसमें थोड़ा सा मिक्स है, तो मैंने वही तेल ले लिया है। तो हमारा जो तेल मीडियम हॉट हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको डालना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे तेल में। तो अपने सारे पीसेस को इसमें हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे डालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाएगा और धीरे धीरे इसके फटने लग जाएंगे, वो सारे जो एक एक पीस है वो टूट जाएंगे। फिर जैसे ये अभी एक टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से सारे टूट जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होता तो। तो यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। और हमारे छोटे छोटे जो मटर थे या नमक पारे थे, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म तेल में डाला है, क्योंकि ये हमें फुले फुले से चाहिए। तो ज़्यादा गर्म तेल में डालोगे तो फूल जाएंगे ये सारे। और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, हमने इसमें घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है तो इसीलिए ज़्यादा खस्ता है ये। और ज़्यादा खस्ता होता है तभी बहुत अच्छा लगता है खाने में। गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।